Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So hey guys, welcome back to your class and now we are back with a new video और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे Epaathshaala के चैनल पे. So as you know that हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कि हम chapter 4 कर रहे हैं और इस chapter 4 का ये वीडियो का चौथा पार्ट है. इससे पहले वीडियो के तीन पार्ट अपलोड हो रखे हैं, अगर आपने तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो then please watch them. अब एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि CBSE बोर्ड ने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड किए हैं और जो मैं इस चैप्टर के अंदर न्यू टॉपिक बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वीडियो के अंदर नए टॉपिक नहीं बताए गए थे और साथ में नई बुक जो आ रही है उनमें भी इस सिलेबस के बारे में सफिशेंट बताया गया. बट आई एम श्योर दैट आई विल टेल यू वेरी डीप इनसाइड दैट एंड you got so much information and so much question from on you also. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम देखने की कोशिश करेंगे कि नया टॉपिक है क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रिक्स. इसे शॉर्ट फॉर्म में ब्रिक्स बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है उन सभी कंट्रियों के लिए जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है. ये पांच ऐसी कंट्रियां हैं जो मिला के ब्रिक्स बनती है. आप इसे मैप के थ्रू भी देख सकते हो, पहले इसका नाम ब्रिक था, ठीक है, जो आप देख सकते हो फाइनली 2009 में जाके ये ब्रिक्स बना. ये पहले ब्रिक क्या था, ब्रिक्स क्यों बना, वो हम आगे देखेंगे. अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजनल कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है. ये आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक संगठन बनाया गया है. पांच स्टेट्स ने, पांच मेंबर्स ने मिलकर इसे बनाया है. इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज है, रशियन है, हिंदी है, चाइनीज है और इंग्लिश है. एट प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हैं इनके स्टेट के लीडर्स ये हैं. कौन से स्टेट के लीडर्स, क्योंकि रशिया के अंदर इसकी फाउंडेशन हुई थी, इसी वजह से आपको बताने की कोशिश करी जा रही है इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से ऑल्टरनेटिव सेंटर्स है पावर के, उन पावर्स में से ब्रिक्स भी एक ऐसा ऑप्शन है जो सही मायने में चुनौती दे सकता है अमेरिका को. कैसे दे सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी सबसे पहले इसका नेशन का नाम था, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्रिक, यानी कि साउथ अफ्रीका इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, इसीलिए इसका नाम सिर्फ इतना सा ब्रिक था. तो आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका कंट्री उस समय पे नहीं थी जब 2006 के अंदर रिसेंटली इसे फाउंड करा गया था. रशिया में इसकी स्थापना हुई थी और फाइनली 2009 के अंदर पहली बैठक हुई जिसमें दक्षिण अफ्रीका की कंट्री भी इन्वॉल्व हुई, जिसको बाद में ब्रिक्स बदल के इसका नाम ब्रिक्स कर दिया जाता है. सो आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ पे दोस्तों इसको बनाने का मेन मकसद पता है क्या है, इन पांच कंट्री के बीच में पूरी तरीके से कोऑपरेटिव बने रहना है इकोनॉमिक, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिलेगा, आपस में एक दूसरे को सस्ता और अच्छा ट्रेड कर कर. दूसरा, कोई भी बंदा नॉन इंटरफेरेंस रहेगा इंटरनल पॉलिसीज को लेके, मतलब कोई भी कंट्री अपने देश में कोई भी फैसला लेती है उसके लिए ब्रिक्स के नेशन के मेंबर जो होते हैं वो कुछ नहीं कहेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी. दूसरा, म्यूचुअल इक्वालिटी रहेगी, आपसी समानता रहेगी. ऐसा नहीं कि रशिया पूरी तरीके से चाइना को ज़्यादा बिजनेस दे रहा है और जो ब्राज़ील है वो रशिया को कम बिजनेस दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. म्यूचुअल इक्वालिटी रहेगी, यह सबसे अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी. इसकी वजह से ग्रुप जो पांच कंट्रियों से मिलके बनता है ब्रिक्स, उन्होंने फाइनली अगर देखा जाए तो पूरी कंट्री में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनकी पॉपुलेशन में से 42 पॉपुलेशन इन पांच कंट्रियों की आती है और इन कंट्रियों की जीडीपी जो मिलके बनती है वो 23% शेयर होती है. साथ में पूरी वर्ल्ड के अंदर जो इनका क्षेत्र अगर काउंट करा जाए तो देखते हैं 30% लैंड इन्हीं के अंडर में आता है और विश्व के अंदर अगर इनका ग्लोबल ट्रेड देखा जाए तो 18% ग्लोबल ट्रेड ब्रिक्स का होता है. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अहम ये एक कम्युनिटी बन सकती है या आगे जाके और कितना अच्छा इनिशिएट कर सकती है, जो सही मायने में अमेरिका को चैलेंज देने में से एक हो सकती है. अब यहाँ पे इनकी मीटिंग्स भी होती रहती है, ऐसा नहीं कि इनकी मीटिंग्स नहीं हुई है. लास्ट इनकी मीटिंग्स ब्राज़ील में हुई थी. अब यहाँ पे रशिया के अंदर 2020 के अंदर मीटिंग होने वाली थी, व्लादिमीर से मीटिंग करते, लेकिन दोस्तों जुलाई में, अगर आपको याद हो हमारी कंट्री के अंदर मार्च में तो वो लग गया था कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन, और लगभग वो लॉकडाउन 3 महीने तक चला था. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी, इस मीटिंग को देखा नहीं जा पाया,
इसलिए लास्ट मीटिंग 2019 में हुई थी जो 11वीं मीटिंग थी। 12वीं मीटिंग कब होगी अभी एट प्रेजेंट टाइम मुझे नहीं पता है, शायद से डिसाइड होगी हो, लेकिन डिसाइड अगर हुई है तो कहाँ हुई है उसका कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि 2009 में जब से ये फाउंड करा गया है हर साल उसकी मीटिंग्स किसी न किसी उन्हीं के स्टेट्स के मेंबर में होती रहती है। जैसे इंडिया के अंदर 2012 में मीटिंग हुई थी जिस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री थे। दोस्तों यहाँ पे जो मीटिंग्स होती है उसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो क्योंकि हमने चाइना के बारे में थर्ड पार्ट के अंदर बहुत डीपली पढ़ लिया था, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका से हमें मैटर नहीं करता है, लेकिन हमें रशिया के बारे में जानना है। इस पार्ट में इंक्लूड है ये, इसलिए रशिया के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है। रशिया का फ्लैग आप देख सकते हैं, कोट ऑफ आर्म्स इसका सिंबल है, साथ में रशिया की कैपिटल आप देख सकते हैं मॉस्को है, ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं लेकिन डोमिनेंस करने वाले रशियन लोग हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन जो है एट प्रेजेंट टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट है। लैंग्वेज रशियन है इसीलिए यहाँ पे रशियन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों आप रशिया की अगर याद करें कहानी तो आपको पता है कि 1991 के बाद ही रशिया अस्तित्व में आया, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने सबसे पहले अपनी आज़ादी की मांग कर ली थी 1991 के अंदर। फाइनली 26 दिसंबर 1991 के अंदर रशिया बन पाया, क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले ये रशिया नहीं था। रशिया के पहले लीडर आप देख सकते हैं, रशिया के पहले प्रधानमंत्री बोरिस यल्त्सिन जो थे उन्होंने ही बोला था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से उन्हें अलग होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने पता चला कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ साथ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी भी अच्छी है, इसलिए एट प्रेजेंट टाइम रशिया की जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसी के हिसाब से बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ये पूरा का पूरा यूएसएसआर आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा यूएसएसआर था पहले, लेकिन उन कंट्रियों में से बहुत सी कंट्रियाँ अलग हुई जिसे आप कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से CIS बोलते हैं। इन कंट्रियों ने आज़ादी ली और कंट्रियों ने आज़ादी लेने के बाद फाइनली अब वो रशिया बन पाया, यानी कि रशिया जो है वो पहले यूएसएसआर था और फाइनली जो उत्तराधिकारी बना वो रशिया बना। अब यहाँ पे दोस्तों रशिया जो है ना उसकी एट प्रेजेंट टाइम GDP 11th लेवल पे आती है, आप देख सकते हो 11th लेवल पे। अगर GDP का अनुमान लगाया जाए तो सही मायने में इनकी GDP सही ग्रोथ कर रही है, और 11वें नंबर पे अगर आते हैं इतनी पॉपुलेशन में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इसकी अच्छी बात यह है कि इनके पास अपने खुद के खनिज हैं, प्राकृतिक संसाधन, एक तो क्षेत्रफल में इतना बड़ा है, सबसे बड़ा ये क्षेत्रफल में है, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है वैश्विक रूप से ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज़्यादा इसके पास क्या कहते हैं हिस्सा होगा। दूसरा इनके पास ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफनिकेटेड वेपन्स है, बहुत बड़ी मात्रा में इनके पास ऐसे ऐसे बम पाए जाते हैं जो किसी भी देश के पास नहीं है। इन इसी वजह से इनकी जो आर्मी है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पे क्योंकि रशिया जो है वो इतना सुपर नेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि टॉप 5 परमानेंट मेंबरों में से रशिया भी उनमें से एक ही आता है, आप देख सकते हो, है ना। तो रशिया इसी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का सिंबल आप देख सकते हैं और साथ में फ्लैग देख सकते हैं। इंडिया की कैपिटल अब न्यू दिल्ली है, लार्जेस्ट सिटी मुंबई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल होता है, और दोस्तों यहाँ पे आज भी कहीं ना कहीं 447 लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है नेटिव्स को मिला के। हमारे भारत देश के अंदर हिंदुज़म की संख्या ज़्यादा है इसलिए डोमिनेंस हिंदू लोगों का ज़्यादा देखने को मिलता है। हम भारतीय लोगों ने UNWTO, ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, सार्क, SCO, G4 नेशन, ग्रुप ऑफ 5, ग्रुप ऑफ 8+5, ग्रुप बी एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इन सब के अंदर अपना पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दिखाने की कोशिश करी है। एट प्रेजेंट टाइम भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद हैं, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चीफ जस्टिस जो न्यायमूर्ति होते हैं उन्हें शरद बोबदे बोलते हैं, ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर हैं, डिप्टी जो है हर्षवर्धन नारायण है, है ना। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा का सिस्टम चलता है, और यहाँ पे हमने देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ाद बनाया था, लेकिन हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया था। देश के हिसाब से टोटल एरिया हमारे पास इतना है और वाटर हमारे पास इतना अवेलेबल है।
अब बात करते हैं इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया 21वीं शताब्दी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लोबल पावरों में से एक है, इसीलिए देखा जा सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशन वे में अपने आप को इफेक्टिव दिखा सकता है, क्योंकि हमारे पास 135 करोड़ की जनसंख्या है और हम दोस्तों स्ट्रैटेजिक पोजिशन पर सबसे ज़्यादा, हमारे पास अगर आप देखें कोस्टल लाइन हमारे पास सबसे ज़्यादा है, लगभग 7000 प्लस समथिंग कोस्टल लाइन हमारे पास है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, शायद से 7516.6 किलोमीटर शायद से हमारी कोस्टल लाइन है। इससे हमें बिजनेस का बहुत फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे हमने आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए हैं ताकि इन फ्यूचर हम बहुत कुछ कर सकें। इकोनॉमिक प्रस्पेक्टिव से देखा जाए तो हमने 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास 5 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा हो नहीं पाया है। हमारे पास कहीं ना कहीं ह्यूज मार्केट है कि हम छोटे नेशंस को कहीं ना कहीं खींच सकते हैं, तो साउथ एशिया के अंदर तो हम बहुत बड़े हैं दोस्तों। GDP के हिसाब से बोला जाता है कि भारत का 5वां स्थान है, मुझे लगता बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि GDP के हिसाब से भारत का 5वां स्थान होगा? फाइंड आउट करिए विकिपीडिया पे या कहीं पे भी, और कमेंट करके बताइए कि भारत GDP के हिसाब से किस नंबर पे आता है। सबसे बुरी बात बताने जा रहा हूँ मैं कि भारत का ग्रोथ रेट 2020 के अंदर -3.2% चला गया था, और अब 2020-21 के बीच में अगर देखा जाए तो हमारी ग्रोथ रेट सबसे नीचे गई है, 2.3% और 23.5% ग्रोथ रेट हमारी नीचे चली गई। मोदी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है कि हमारी ग्रोथ रेट इतनी नीचे चली गई हो। पूरे जब से देश आज़ाद है ग्रोथ रेट कभी भी इतनी नीचे नहीं गई है, तो ये बहुत बुरी बात है। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सी शंका होती है कि कैसे GDP के हिसाब से भारत जो है 5वें नंबर पर आ सकता है। फाइंड आउट करिए और बताइए कि वो किस नंबर पर आता है। अब बात करें अगर हम स्ट्रैटेजिक प्रस्पेक्टिव की, तो स्ट्रैटेजिकली हम लोगों ने क्या करा है कि अपनी आर्मी को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करिए, उनको अच्छे इक्विपमेंट और लड़ाई की अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाने की कोशिश करिए ताकि वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉर में अपनी परफॉर्मेंस दे पाए। मेक इन इंडिया स्कीम जो है वो टेक्नोलॉजी और साइंस को एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही है, और इससे इंडियन इकोनॉमिक जो है वो ग्रो होगी। दोस्तों मेरा आपसे कमेंट ये करवाना है कि मेक इन इंडिया कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, बाय विच गवर्नमेंट दैट मेक इन इंडिया वाज स्टार्टेड। अगर आप पॉलिटिकल का अच्छा स्टूडेंट है तो आप बहुत डीपली एनालाइज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर इंक्लूडिंग विद न्यू टॉपिक, एंड आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस चैप्टर। और दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन करे हैं उनका आंसर ज़रूर ढूंढेगा और कमेंट ज़रूर करेगा, इससे आपकी नॉलेज का फ़ायदा है, और आप कमेंट करेंगे तो जो बच्चे जिनको नहीं भी पता है उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। सो लेट्स मीट अनदर चैप्टर अनदर टाइम, एंड आज़ाद रहे गाजियाबाद रहे और हमारी वीडियोस देखते रहे। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।